बंड में जो नया हिस्सा है वो आपने बात की हीरोइन की और हीरोइन तैराबाद की या हीरोइन की और आइस की, ये जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है, इसलिए कि इससे हमारी नौजवान नस्ल सारी ख़राब हो गई। आज की मीटिंग मैंने आपको बताया ना कि 3 घंटे की हमारी मीटिंग थी, तो 3 घंटे में हमने सारी बात की, ये बात भी हमने की और उसमें ये स्लाइडें भी हमारे सामने आईं कि कितनी हीरोइन और कितनी आइस और किस जगह पे क्या चल रहा है। मैंने इनको ये बताया, मैंने कहा कि ये काम आपने करना है, ये काम आपने किसी के लिए नहीं करना है, ये काम आपने अपने लिए करना है और अपने बच्चों के लिए करना है, क्योंकि जो उस इलाके के तैराबाद के हैं, बण के हैं, वो जो बच्चे सारे हैं वो मेरे बच्चे हैं, इस मुल्क के बच्चे हैं, और इस मुल्क के बच्चों को ख़राब होते हुए मैं नहीं देख सकता। इस सूबे के तमाम बच्चों की जिम्मेदारी पुलिस के हवाले से मुझे सरकार ने दी हुई है। मैंने इनको बिल्कुल क्लियर कट बताया है कि आपने आइस, हीरोइन, दीगर नशावर अद्वियात या इवन स्वाद के अंदर तो ठला वगैरह भी बनता भी है, चलता भी है, तो वो जो है उसके ऊपर सख्ती के साथ आपने रोक टोक करनी है, रुकावट करनी है। और मैंने इनको एक फ्रेमवर्क भी दे दिया है रिपोर्टिंग का। हमने मेरे आने के बाद एक नारकोटिक्स इराडिकेशन टीम के नाम से, नेट के नाम से, हमने एक खसूसी स्क्वाड भी तश्कील दिया, उसकी जिम्मेदारी भी लगाई, और DIG साहब भी बैठे हैं और बाकी हमारे पुलिस के अफसरान सारे मौजूद हैं यहाँ पे। आपके पास भी कोई ऐसे नामी ग्रामी हों, खामोशी से खुफिया तरीके से आप ज़रूर इत्तला दें, इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, कार्रवाई आपको होती हुई नज़र भी इंशाल्लाह आएगी। हमारी तरफ से मैं आपको सिर्फ नेक नियती खलूस दिल का यकीन दिला सकता हूँ कि हमारा ज़ाती कोई मफाद नहीं है कि वहाँ उस इलाके में मनशियात का या किसी भी किस्म का कारोबार हो, और उसमें अगर हमारा कोई लोअर लेवल का पुलिस ऑफिशल इन्वॉल्व है उसके साथ भी उसी तरीके का सलूक होना चाहिए जिस तरीके का मनशियात फरोश के साथ होता है। और मैंने जो कुछ नेट के लिए हिदायत जारी की थी उसमें मैंने लिखा हुआ था कि जिस इलाके में नेट की टीम कार्रवाई करेगी और वहाँ से मनशियात बरामद होती है, इसका मतलब है कि उस SHO की या सुस्ती, लापरवाही, कोताही है या उसकी ज़ात का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इन्वॉल्वमेंट है तो FIR में उसको दे दें, अगर कोताही, सुस्ती और लापरवाही है तो उसके खिलाफ़ कानूनी एक्शन।